अब मैं उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का नम्र निवेदन करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को राजभवन की ओर से स्वागत अभिवादन। आज हम एक विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष कार्यक्रम मन की बात के समय प्रसारण के कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सिक्किम सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सचिव मैडम नम्रता थापा जी को राज्यपाल महोदय को खदा अर्पण करने का नम्र निवेदन करती हूँ। इसी कड़ी में आकाशवाणी के निदेशक श्री अवधेश्वर सहाय जी को भी राज्यपाल महोदय को खदा अर्पण करने का अनुरोध करती हूँ। अगली कड़ी में पीआईबी की उप निदेशिका सुश्री मोनिका जी से राज्यपाल महोदय को बुके प्रस्तुत करने का नम्र निवेदन करती हूँ। साथ ही दूरदर्शन की उप निदेशक श्री नीरज कुमार पांडे जी से मेमेंटो प्रस्तुत करने का सादर अनुरोध करती हूँ। इसी कड़ी में मैं दूरदर्शन के उप निदेशक श्री नीरज कुमार पांडे जी से अपने स्वागत संबोधन के लिए नम्र निवेदन करती हूँ। आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, सूचना जनसंपर्क सचिव मिस नम्रता थापा जी, राजभवन सचिव श्री जिग्मे दोर्जी भूटिया जी और सिक्किम प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले हमारे सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के सभी साथीगण, आकाशवाणी दूरदर्शन एवं पीआईबी के उत्साही सदस्य, आज मुझे आप सभी का आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें मन की बात के कार्यक्रम के प्रसारण के समय आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार में पैदा होकर भी अपनी निष्ठा, लगन व तपस्या से ये स्थान प्राप्त किया है। उनका जीवन पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आर्थिक विकास के साथ साथ देश की संस्कृति व मानव मूल्यों की स्थापना हेतु अधिक प्रयास किया है। उन्होंने कई अनगिनत योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत, सौर ऊर्जा, किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, हर घर शौचालय, हर घर विद्युत, हर घर जल से नल, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण आदि तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया और वे सक्रियता से चल रही हैं और उनकी वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश की एक विशिष्ट उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इसको स्थापित किया और उसका प्रचार किया और स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक भी होता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति योग पर ही आधारित है और योग से क्या है, हम ईश्वर से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं, उसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए मुहर कर दिया है। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन के मुद्दों पर नागरिकों से संवाद स्थापित करना है और रेडियो के माध्यम से दूर दराज के लोगों से बात कर उनके सुझाव लेते हैं, उनकी सलाह लेते हैं और उनका इम्प्लीमेंट भी करते हैं ताकि हमारा प्रशासन और अच्छा रहे, फीडबैक मिलता रहे और उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन भी करते हैं। मन की बात का प्रसारण पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था
तब से अनवरत हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे से हर महीने लगातार हो रहा है और इसमें कभी रुकावट नहीं आई और लगातार वो हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से देश के विभिन्न कोने कोने से लोगों से संपर्क स्थापित करते रहते हैं, उनसे सलाह लेते रहते हैं और उसका क्रियान्वयन करते रहते हैं। यह प्रकार प्रसारण हमारे वैसे तो आकाशवाणी का ही विशेष रूप से था, लेकिन ये सभी दूरदर्शन के चैनलों पर और यूट्यूब के माध्यम से लगातार प्रसारित हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को भी प्रधानमंत्री जी ने जन जन तक पहुँचाया है, हमारी पहुँच बढ़ाई है और इस आकाशवाणी दूरदर्शन की लोकप्रियता भी बढ़ाई है। रेडियो और टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश के कोने कोने में लोगों से संवाद करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उनसे फीडबैक लेकर प्रशासन में जो सुधार हो सकते हैं उसका भी क्रियान्वयन करते हैं। और एक सर्वे के अनुसार भारत के लगभग 96% लोग मन की बात के बारे में जानकारी रखते हैं एवं 60% लोग इस प्रभावित भी हैं उनकी योजनाओं से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से और उनका हृदय में सम्मान रखते हैं। और इसी प्रकार हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय भी निम्न मध्यम परिवार से आकर अपनी लगन और तपस्या से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आपने प्रारंभ में भारतीय शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य किया, तत्पश्चात अपनी ऊर्जा व मेधा का उपयोग कर आसपास के क्षेत्र में छोटे बच्चों की शिक्षा हेतु कई विद्यालय खोले। आपने शिशु शिक्षा गाँव की ओर अभियान चलाकर शिक्षा का विस्तार किया और आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला प्राइमरी स्कूल खोलकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अपने शौर्य और ऊर्जा से वो जैसे इन्होंने काफ़ी शिक्षा का विस्तार किया, वो दोनों शिक्षा बहुत दुर्लभ होती थी, उस समय हमारे राज्यपाल महोदय जी ने अपनी ऊर्जा का उपयोग कर शिक्षा का विस्तार किया। इसी प्रकार आप सभी आगंतुकगण भी अपनी विशिष्ट योग्यता के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने हेतु तत्पर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में संदेश दिया है कि अयम निजः परो वेद गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हमारा उन्होंने ये कोरोना के समय में तमाम वैक्सीन हमारे पूरे विश्व में पहुंचाकर पहले तो निःशुल्क दिया, उसके बाद फिर उन्होंने उसको इतना उत्पादन करके विपणन भी किया, हमारे देश के सभी लोगों तक जन जन तक पहुँचाया। ये अथक प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही हो सका है और हमारी देश की सीमाओं को मजबूत किया है। हमारे यहाँ स्वच्छता का विशेष उन्होंने ध्यान दिया है, हर जगह स्वच्छता ही काफ़ी प्रगति हुई है, स्वच्छता के बारे में भी सभी लोग स्वच्छता का ध्यान देते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं और इस तरह से हमारा अब कुछ ही पलों में मन की बात का 100वां प्रसारण होने वाला है। सभी लोग अपने मोबाइल बंद रखें और कृपया शांत के साथ इस प्रसारण का देखें और प्रधानमंत्री जी के उत्कृष्ट कार्यों के बारे में समझें और आगे से हम इसको निरंतर देखते रहेंगे, ऐसा भी हम अपना विचार रखें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अब कुछ ही देर में हम माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने जा रहे हैं, कृपया धैर्य धारण करें। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन। देशवासियों नमस्कार, आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार
मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को कुछ संभाल भी नहीं लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा, हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मण राव जी नामदार, हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस कर रहा था, खाली खाली सा महसूस कर रहा था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क की मुश्किल हो जाए। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल
व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं, हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं, मैं देशवासियों का त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पैर लगा रहा है, कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जाने। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से
पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है। तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है, एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है, और आपकी बड़ी प्रशंसक है। आपकी उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लास बेस्ट जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह वाह वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देव गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती है। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर, अभी एक दो महीने अभी इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर, और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर, तब से 2000 का ट्री बेचे थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर, इतनी डिमांड बढ़ी सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई इसमें, बहुत से आ रहे हैं अपने पास सर। अभी मैं आगे एक दो महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर, मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या
गट मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया। मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? सर, आई एम फाइन। एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? सर, स्टिल वर्किंग अलोंग विद माय 30 वुमेन। इन सच अ शॉर्ट पीरियड यू हैव रीच 30% टीम? यस सर, दिस ईयर आल्सो मोर एक्सपांड विद 100 वुमेन इन माय एरिया। सो योर टारगेट इज 100 वुमेन? या 100 वुमेन। एंड नाउ पीपल आर फैमिलियर विद दिस लोटस स्टेम फाइबर? Yes, sir. Everyone knows from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to keep from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our products made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local, and now local for global. Yes, sir. I want to raise my products all over the globe of our world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. Sathiyo, मन की बात की एक और विशेषता रही है, मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हिलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची? हाँ जी सर। अभियान भी चलाया, आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेकर कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। अरे वाह। मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं।
सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोग आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतने दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सोल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आया। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड के इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है, साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। नमस्ते एक्सेलेंसी डियर प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ यूनेस्को आई थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. A bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I'm happy to interact with you in the 100th Mann Ki Baat program. I'm also happy that you have raised the important issues of education and culture. Saathiyo, UNESCO ki DG ne education aur cultural preservation, yani
शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाह रहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं, बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की। भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉपआउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेम श्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन तीन कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं।
देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं, भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग। ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवादात्मक कार्यक्रम मन की बात का अवलोकन किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी संवाद सुना हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। आज यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मध्य राज्य की सम्मानित विभूतियां उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्र में योगदान दिया है और इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद किया है। इसी संदर्भ में मैं आगंतुक अतिथियों से एक एक करके अपने परिचय देने व अपने विचार माननीय राज्यपाल महोदय से साझा करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। जिन्हें खड़ा होने में या थोड़ा उठने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बैठकर ही परिचय दे सकते हैं, जिसमें आप अपने को कंफर्टेबल मानते हैं। My name is Dean Thakuda. I am an ex-serviceman and I have worked for organic farming for about 13 years in Sikkim, and I have given so many training to the across Sikkim, and I have to be Sikkim organic state, and it is a splendid work that we farmers of Sikkim did. मेरा नाम भावना है, मैं वेस्ट सिक्किम से हूँ और एक्सपर्टिसमेंट होने के नाते एक गांव में कम्युनिटी रेडियो खोले हैं और उसका संचालन कर रहे हैं और कुछ एक हमारा कार्यक्रम का दस्तावेज आपको हस्तांतरण करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको आप सभी को सर्व प्रणाम। मैं अखंड प्रताप सिंह हिंदी विभाग छात्र हूँ, चतुर्थ सत्रांत परास स्नातक सिक्किम विश्वविद्यालय। नमस्ते सर, मैं प्रीति शाह और मैं सिक्किम विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की छात्र हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम सप्तम भुजेल है और मैं सिक्किम विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ। नमस्ते सर, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृतिका विश्वकर्मा है और मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, बीएससी साइकोलॉजी ऑप्ट किया है। और मन की बात पहले मैं बहुत पापा के साथ रहकर सुनती थी, लेकिन आज यहाँ पे उपस्थित होकर सुनने का मौका मिलकर बहुत आनंदित फील कर रही हूँ। बताया आपने बेटा? हाँ, अभी आपने क्या नाम बताया आपने? मैं
मन की बात को इतने दिन में सुना आपने, आपको उससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या आपने आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, आपके मन में क्या संकल्प आया, उसका कुछ अनुभव साझा करें। मन की बात के द्वारा हम भारतवासी जो भी सिंपल लोग हैं वो अपनी बात कभी प्रधानमंत्री तक पहुंचा नहीं सकते थे, लेकिन इसके द्वारा हम एक एक इंसान उनसे कनेक्ट हो पाते हैं और अपने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ अपना योगदान देना दे सकते हैं। सच प्रणाम। मेरा नाम मिंगमा शेरपा है, मैं लूम प्राथमिक पाठशाला का शिक्षक हूँ और मुझे 2021 में नेशनल टीचर्स अवार्ड से नवाजा गया था, तो बहुत बधाई। मुझे आज इस कार्यक्रम में सहभागी होकर अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आज सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके मध्यान अभी हमारे स्कूल में विद्या प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है और जॉली फॉली का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत बिजी शेड्यूल में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आज सुबह आते हो गाड़ी में मेरा वो मतलब रेडियो का वो था, सेवा सुलभ था, तो मैंने आज वो सुन के, तो मुझे आज जो अहंकार का उनका एपिसोड में जो अंगदान का मैंने वो सुना और मुझे वो अंगदान सबसे बड़ी धर्म मतलब वो है, वो धर्म है अंगदान करना, तो सुना तो फिर उनसे द्वारा मुझे ये प्रेरणा मिला कि अंगदान जिसको भी मिला वो बहुत खुश हुआ है, वो सबसे बड़ी दान है। तो फिर आज मुझे मैसेज हुआ कि विद्या देना, हम टीचरों को विद्या जो देते हैं वो सबसे बड़ी दान है, तो इसलिए मैं जो प्रधानमंत्री से आज ये जो उनके द्वारा सुना तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ और लगातार मैं उनका एक कार्यक्रम को सुनता रहूँगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार सब लोग को। मेरा नाम रोमस टुंगेल है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ में मैं स्वच्छ भारत अभियान जैसा एक छोटा सा बहुत छोटा सा एक इनिशिएटिव भी चलाता हूँ स्कूल में, उसका नाम हरियो माथा सिक्किम अगेंस्ट पॉल्यूशन है। वहाँ हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से थोड़ा रिसोर्स निकाल के उस जो पैसा होता है वहाँ से हम लोग स्टूडेंट को एनआईओएस और इग्नू में हम लोग हेल्प करते हैं। और मुझे हमेशा प्रधानमंत्री महोदय के जो भी वो लोग इनिशिएटिव चलाते हैं सर, वहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है सर। थैंक यू सो मच। माननीय महोदय, मेरा नाम हरदीप सिंह है, मैं सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद की सेवा कर रहा हूं। और सबसे पहले आपका आभार कि आपने राजभवन में हमें मन की बात सुनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मन की बात में देश का प्रधानमंत्री छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं और जो सकारात्मक कार्य हैं उनकी प्रशंसा करके बहुत ही बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। और आज के एपिसोड में तो मैं चकित रह गया हूँ देख करके कि लोटस फाइबर भी हमारे देश में बन रहा है जिसकी वैश्विक मांग हो रही है। तो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे नेता से कोई आम व्यक्ति डायरेक्ट जा करके नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त हैं, लेकिन मन की बात के माध्यम से ऐसे लगता है कि मन की तार मन की बात करने वाले के साथ जुड़ गई है। तो इन शब्दों के साथ आपका आभार, शुक्रिया। माननीय गवर्नर साहब, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आए हुए सभी साथी। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सुमन पांडे, मैं एक हाउसवाइफ हूं और मैं मोदी जी के हर एक एपिसोड को मन की बात को ध्यान से सुनती हूँ और अमल भी करती हूँ। नमस्कार सर, आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले बहुमी था सर, मैं मेडिकल ऑफिसर टू गवर्नर था बहुत साल तक, 2020 में मैं यहाँ से ट्रांसफर हुआ हूँ। और आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि 99 एपिसोड में मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला सर, सिक्किम से मैं प्रधानमंत्री जी से बात किया, टेली कंसल्टेशन के लिए उन्होंने मुझसे संवाद किया था और
संवाद के बाद जो टेलीकंसल्टेशन का जो लोगों में अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ गया है सर, और सिक्किम में साथ साथ में भारत भर में लोगों को जो टेली कंसल्टेशन के थ्रू डॉक्टर से मिलने का जो एक मौका है उसके लिए जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बढ़ा है और लोग लाभ ले रहे हैं सर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतनी छोटी चीज को इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म चीज को जो लोगों के लिए लाभदायक है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों से भी बात करते हैं सर। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम जोशीला थापा है, मैं अंडर एसआरएन के थ्रू एसएससी में काम कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम स्मिता प्रधान है, मैं नामची साउथ सिक्किम से हूँ और आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरा छोटा सा स्टार्टअप है सोई लाइफ बोल के, सो हम लोग एक रेयर और एंडेंजर्ड मशरूम कॉर्डिसेप्स जिसको लोकली याचा गुम्बा भी बोलते हैं उसको कल्टीवेट करते हैं और मशरूम स्पॉन्स भी बनाते हैं। सो आज जो प्राइम मिनिस्टर सर ने लाइक ही सपोर्टिंग द वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड he spoke about vocal to local. I think that's very inspiration. We get lots of inspiration from that. Thank you. Respected Governor sir and all the dignitaries from various department of government of Sikkim. So my name is Prabha Chhetri and I'm the founder of Sikkim Seasoning. It's a private limited company. So under that we are selling organic spices from North Sikkim, that is from remotest Jonghu area. And recently we have come up with the quinoa. So I am selling overall output of quinoa of Sikkim. So we are just adding nutrition in everyone's health. नमस्कार सर, मेरा नाम संगे शेर्पा, मैं छांगू लेक से हूँ। मैं छांगू पोखरी संरक्षण समिति का कार्यालय सचिव ऑफिस सेक्रेटरी हूँ और ये संस्था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के अंडर में है और हमने पिछले 14 साल से हम छांगू लेक को सुरक्षित और इसको प्रोटेक्शन करने के लिए काम कर रहे हैं सर। रिसेंटली मन की बात में हमारा मोदी साहब ने छांगू लेक का साफ सफाई के बारे में उत्साहित किया था और इसी कारण से हम लोगों को और भी अच्छे काम करने के लिए दिल कर रहा है, अच्छा मिला है। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम चेतन टासी भुटिया, मैं वेस्ट सिक्किम से हूँ सर और मैं बीएससी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का एक एम्प्लॉय हूँ जहाँ पे वहाँ मेरा जिम्मेवारी है कि हमारा वहाँ पे आरआरसी रिसोर्स रिकवरी सेंटर सेटअप है वो फुल्ली फंक्शन और अच्छी तरह से रन हो रहा है सर। लास्ट ईयर जैसे कि फरवरी 22 से लेकर सर हम लोग आज तक के जर्नी में सर हम लोग स्टेट अवार्ड भी रह चुके हैं सर। तो हमारा गांव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से जुड़े हुए हैं और हम लोग हमारे ऑफिस से 5 जीपीयूज को हम लोग सर हर एक शुक्रवार को जाके जितने भी वेस्ट वहाँ से कलेक्ट करके लेते हैं सर उसको सेग्रीगेट करके हम लोग ढंग से उसको रिसाइकल और रिड्यूस और रीयूज करते हैं सर। साथ साथ हमारा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट है सर उसको भी हेल्प करते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर, सबसे पहले मैं आपको दूरदर्शन को और रेडियो ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद देना चाहूँगी हमें इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम नीता निराश है, मैं पत्रकार हूँ और मोदी जी के मन की बात से मुझ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और मुझे ये पता लगा कि केवल राजनीतिक इश्यूज़ पर न लिख के यदि हम उनकी सब जो सरकारी जो नीतियां हैं कार्यक्रम हैं उन पर विस्तार से लिखें तो जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री होते हुए जनगण से संपर्क करते हैं रेडियो के जरिए और सब बताते हैं, उस प्रकार से यदि हम भी अधिक लिखें तो जनता को ग्रामीणों को भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो वही मैंने इस पे जोर देना शुरू किया हुआ है। धन्यवाद सर। नमस्कार महोदय, सबले नमस्कार। जस्ट गिव मी इंट्रोडक्शन, माय नेम इज प्रदीप राय और रेड एफएम एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन है जो भारत के सभी राज्यों में इसका प्रेजेंस है, तो गैंगटोक के रेड एफएम पे मैं काम करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, माय नेम इज गडरू सिंह लामा, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर एंड 2005 पद्मश्री अवार्डी। Thank you, sir. Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आई एम मिसेस विष्णु राय, रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. आई वॉज इन कमांड इन 3rd रिजर्व इंडियन रिजर्व बटालियन. नाउ आई एम विथ दिव्यांग साहित्य समिति प्रेसिडेंट द्रौपदी घिमिरे मैडम, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प द निडी पीपल. एंड आई एम वर्किंग एज लोक अदालत जूरी मेंबर बिकॉज आई एम रिटायर्ड. सो आई वॉन्ट टू हेल्प द निडी पीपल. दैट्स व्हाई आई एम ब्लेस्ड टूडे because of you only, sir, and Doordarshan, and I am very inspired by this Mann Ki Baat. क्योंकि ये मन की बात से मुझे लगता है मैं तो देखती थी लेकिन इतना सीरियस नहीं देखती थी. आज मेरे को पता लगा सब लोग ये इसको देखना चाहिए क्योंकि सब लोग तो किसी के मोदी जी के पास जा नहीं पाएगा लेकिन मन की बात से वो लोग अपना मन की बात रख सकता है. इसीलिए वेरी इंस्पायर्ड ये मन की बात. तो ये हमारे सिक्किम का सबको सारा इंडिया भारत को ये बोलना चाहेंगे तो सबको ये प्रोग्राम देखना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. आज देखी हैं या आज से देखना शुरू करी हैं? पहले से मैं देखती थी सर लेकिन इतने सीरियसली नहीं देखती थी. तो आगे कैसा रहेगा? सॉरी आज से सीरियसली देखूंगी, जरूर देखूंगी. एंड मैं सबको बोलूंगी भी ये देखना चाहिए. Good. ये ऐसा मन की बात तो दिल को छू लेता है. इस बात पे तो ताली बनती है भाई. थैंक यू सर. नमस्कार सर, मैं द्रौपदी की मिली हूँ. पिछले 35 साल से दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रही हूँ. इससे पहले मैं भी आसाम राइफल में नर्सिंग थी. तो मेरा पिताजी का एक पैर एम्पुटेशन हो गया तो मैंने आसाम राइफल में रिजाइन करके गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम में ज्वाइन कर लिया. उसी से सिक्किम में आज से 35 साल पहला या 30 साल पहला दिव्यांग लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, जो आर्टिफिशियल लिप्स बनाते थे. तो मैं भगवान महावीर विकलांग साहित्य समिति जयपुर से जुड़ी हूँ. डियर मेहता साहब जो आज भी चेयरपर्सन है, उनसे जुड़ के जयपुर से हम लोग टेक्नोलॉजी सारा सिक्किम में लाए. और कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ सिस्टर्स थे, एसटीएम का डॉक्टर सावित्री हमाल, डॉक्टर शशि प्रधान, डॉक्टर पेपा और कुछ टीचर्स लोग मिलकर हमने यही भी एक वर्कशॉप बना दिया. तब से लेकर अब तक हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए जैसे आर्टिफिशियल लिम्स बनाना होते जयपुर से, दिल्ली से, डीआरडीओ से. 2005 में हमको ऐसा मौका मिला जो फॉर्मर हमारा लीड प्रेसिडेंट कलाम साहब से मिलने के लिए मुलाकात हुई इसी गवर्नर हाउस में. तो उन्होंने देखा जो जयपुर फुट है वो बहुत भारी है, कम से कम 1 फुट का 5 किलोज है. तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा एफआरओ पोलियो पेशेंट के लिए तैयार किया है जो 500 ग्राम का है. तो हमें सौभाग्य मिला सर कलाम साहब से काम करने के लिए. तो उन्होंने हमें डीआरडीओ से साइंटिस्ट भेजा सिक्किम के लिए और हैदराबाद से डॉक्टर्स लोग भेजा. तो हमने 2005 और 6 में 101 पोलियो पेशेंट के लिए हमें लाइट वेट कैलिबर बनाने का मौका मिला. तो अभी हम जयपुर से जुड़े हैं. फिर साथ साथ में हमने जितने भी सिक्किम में क्लिप पाले क्लिप कटे हुए वोट है पैदा होते हैं उनके लिए हमें डॉक्टर्स मिला आगरा से, डॉक्टर सत्य सरसर उनका साथ कोलाबोरेशन करके अभी तक हमने करीब 600 लोगों को क्लिप पाले क्लिप अपने स्पाइन ट्रेंच के थ्रू से ऑपरेशन कर चुका है. तो इसी के साथ सर अभी हमने एक बच्चे को वेस्ट का बच्चे को जो आर्टिफिशियल लिम्स लगाने के लिए दिल्ली गए थे कॉलेज पार्क में जो जर्मन अमेरिका का फुट बनते हैं तो वहाँ से हम सीएम साहब से भी मिलने के लिए मौका मिला. तो 30 मई 2022 में दिल्ली में हमने जो कॉलेज पार्क का डायरेक्टर सीएम साहब हम लोग मिलकर फिर अभी हम सर अभी हमने 2023 में मार्च 23 तारीख से मार्च हमने 30 तारीख तक 42 लोगों के लिए आर्टिफिशियल लिप्स बनाया वो जर्मन अमेरिका के लिए. इसके लिए फंड सर हमने कंपनी से हमें जो 1 लाख बनते थे
तो कंपनी ने 50% दिया और रेस जितने भी है जो भी देना था 72 पेशेंट के लिए हमारा सी एम साहब का फंड से हमें दिया गया। तो इसीलिए अभी फिर जून 3 से फिर हमारा प्रोग्राम शुरू है। नेक्स्ट जो भी बच्चा हुआ है जैसे 71 में हमने 42 बना दिया तो अभी जून 3 से जून 9 तक रेस्ट के लिए फिर हम जैसे दिल्ली से जयपुर से मुंबई से प्रोस्थेटिक इंजीनियर लोग आ रहे हैं सर तो हम फिर वो काम करना आगे कर रहे हैं। तो हमको सर इसके लिए आपसे मिलने के लिए मौका नहीं मिला आज मिला बहुत धन्यवाद। नमस्कार हृदय सर मेरा नाम है सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मदे के द्वारा आज दूरदर्शन ने हम लोग यहाँ इन्वाइट किया और साथ साथ में ये मन की बात के द्वारा हमारा अपने जो बात है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान शेयर करने के लिए मौके मिले हैं। तो मेरा नाम संध्या गुरु है, मैं एक बॉक्सिंग कोच हूँ। तो हाल ही में 2021 में मुझे अपने भारत सरकार से गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिले हैं। तो एक्चुअली हमारा मोदी सर जो प्राइम मिनिस्टर सर जो है वहाँ के एक बात से तो पहले मुझे छुआ था जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के इसी के बाद से मुझे थोड़ा मतलब एक हौसला भी मिला था कि अभी बच्चे को भी कुछ करना है। तो बॉक्सिंग कोच करते करते खेलने के बाद कोचिंग करते करते मैं जब अवार्ड के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था साल बाद साल। तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी प्रधानमंत्री सर तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बताते थे बट बेटी को तो पढ़ने नहीं देते हैं क्योंकि लड़का लोग के अवार्ड मिलते जा रहे हैं द्रोणाचार्य। तो हम लोग भी मतलब नेशनल में जाकर बच्चों लोग को ट्रेनिंग कराते हैं लेकिन हम लोग मिलते नहीं मतलब इसी मजाक मजाक में होते रहते थे। तो बाद में जाकर 2020 का ओलंपिक जो जापान में होने वाला था तो पोस्टपोन होके 21 में हुआ था। तो मेरे जो कोचिंग के अंडर में लवलीना बोरगोहाइन ने 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर भारत से सम्मान मिला था। तो उसी के वजह से मतलब हम दोनों के कोचिंग से मतलब मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने में मतलब सफलता हुई। तो ये धन्यवाद चाहती हूँ। अभी ये जो हम लोग अब जो मेन जो बातें चल रही है मन की बातें तो इसमें तो और भी मुझे मतलब एक हौसला आ जाता है बच्चों के लिए जो यंग जनरेशन के लिए बहुत प्रधानमंत्री सर एकदम मोदी सर इतना मतलब बच्चों के इंस्पायर मतलब हो रहे हैं। तो हम लोग को मतलब इतना प्रोत्साहन करते हैं यानी हम लोग बातों से नहीं कुछ जाकर भी आजकल तो मिल सकते मतलब वीडियो द्वारा। तो अभी खिलाड़ी के लिए बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी मिला है जैसे खेलो इंडिया के गांव गांव से लेकर हाई लेवल तक अगर मेरा नाम मिले तो फिर भी वहाँ सर अपने वीडियो कॉल से बात कर देते थे। आने के बाद मेडल होने के बाद अगर खेलने जाने में मतलब बेस्ट ऑफ लक देने के कांग्रेचुलेशन मतलब इस तरह से अपने बच्चों के मतलब हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ सर की इस बात से। तो मैं एकदम मेरे तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ से प्रधानमंत्री सर को। थैंक यू सर। नमस्कार महामहिम सर सबभन्दा पहिला त अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म सिक्किमको जनभाषा नेपाली भाषामा नै बोल्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ सरले यतिको दिनमा नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ। म मेरो नाम विजय कुमार सुब्बा बाई प्रोफेसन म रिटायर्ड टिचर हुँ अनि बाई प्यासन चाहिँ साथीहरूले मलाई राइटर भन्छ मैले आफैले आफैलाई राइटर भन्नु सक्दिनँ। मन की बात सुने यो पवित्र घरमा राजभवन हाम्रो लागि एउटा पवित्र घर हो। पहिलासम्म त खुसी लागेको छ कि राजभवनमा यहाँनिर हामीलाई निम्तो दिनुभयो सरलाई सिक्किममा स्वागत छ। लेखकहरूको तर्फबाट नेपाली भाषामा र अरू भाषामा पनि लेख्ने राइटरहरूको तर्फबाट स्वागत छ।
मन की बात लिएर यहाँ विद्वानहरूले दिग्गजहरूले धेरै कुरो भन्नुभयो, त्यसमा समर्थन लिन्छु म। र अहिलेको यो एपिसोड हेर्दै जाँदाखेरि हिमाचल प्रदेशमा एकजना साथीले जुन हिमालय सफा गर्ने जुन मुहिम चलाउनु भएको छ र सिक्किमका यहाँ दिग्गजहरू हुनुहुन्छ, विद्वानहरू हुनुहुन्छ, सरको माध्यमबाट म विद्वानहरूलाई दिग्गजहरूलाई विन्ती गर्न चाहन्छु, सिक्किम पनि हिमालय क्षेत्रमा पर्छ, पवित्र क्षेत्र हो सिक्किम, यहाँको क्लाइमेट र यहाँको वन सम्पदा एकदमै पवित्र छ, सुन्दर छ, तर त्यसलाई पनि हामीले हिमाचल प्रदेशमा जुन मुहिम चलाइरहेको छ त्यो हामीले पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आजको यो एपिसोडले मलाई सन्देश दिए जस्तो लाग्यो। र हामी यतिजना त्यो मुहिम महामहिम राज्यपाल महोदयको आश्रयमा तपाईँको गार्जियनसिपमा हामीले त्यो सुरु गरेछौँ भने हामीले सिक्किमलाई मेघालयको मलिनौ गाउँ जसले एसियाको सबैभन्दा सफा गाउँ मलिनौलाई बनाएको छ, सिक्किमलाई पनि भारतको सबैभन्दा सफा राज्य हामी बनाउन सक्छौँ। र यसमा म आज यहाँ भेला हुनुहुने तमाम विद्वानहरूसँग समर्थन मान्छु। र मन की बातले अर्को कुरो के पनि बताइरहेको छ भन्दाखेरि मैले चाल पाएको चाहिँ कि हामीले गऱ्यौँ भने जस्तै काम पनि नामुमकिन छैन, हामी गर्न सक्छौँ, पोजिटिभ कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म हामी फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म विश्राम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सॉरी मैंने थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन में थोड़ा एक बात क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर में सिक्किम के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। अभी मैं नेशनल कैंप में नहीं हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे यहाँ सिक्किम के बच्चों के लिए थोड़ा जरूरत है तो अभी लवलीना को वहाँ तक पहुँचाने में सफल रही तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ सिक्किम के और बच्चों को भी इसी तरह आगे मिला। Thank you. नमस्कार सर, मेरा नाम विक्रम भट्टराय है और मेरा जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है सर, और मैंने 2011 में नेशनल अवार्ड रिसीव किया हुआ सर, और स्टेट सिक्किम से सर मुझे पीडब्ल्यूडी स्टेट आइकन भी घोषित किया गया है सीईओ सिक्किम की तरफ से सर, और साथ ही क्लास 5 की जो प्रोटोडेंडल इंग्लिश बुक है उसमें भी मेरा परिचय वहाँ पर भी दिया गया है सर, और मैं जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं जो हमारे स्टेट के विकलांग जो लोग हैं उन लोगों को समर्थन करने के लिए उनको साथ देने के लिए भी इसमें मैं कार्यरत हूँ, मैं काम कर रहा हूँ सर। हमारे कॉलेज मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ नरवाड़ भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज, उस कॉलेज में भी पीडब्ल्यूडीज के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए सर मैं विभिन्न कार्य पर काम कर रहा हूँ सर। मुझे कॉलेज की तरफ से पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेटिव भी रखाया गया है सर, और एक प्रॉब्लम हुआ था सर कि कॉलेज में जो पीडब्ल्यूडी वॉशरूम है वो एक एक्सेसिबल जगह पे नहीं था सर, तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा, मैंने प्रिंसिपल सर से बात किया कि सर अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो कॉलेज में भी पीडब्ल्यूडीज का एनरोलमेंट होना बहुत ज़रूरी है सर, तो इसके लिए अगर वॉशरूम ही अवेलेबल नहीं होगा जहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर अगर जाने की जगह नहीं है तो वहाँ पर कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सपोर्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया और लाइब्रेरी में जो एक्सेसिबल जगह था वहाँ पे मैंने पीडब्ल्यूडी वॉशरूम वहाँ बनाने के लिए सर से अनुरोध किया और वहाँ पे आज पीडब्ल्यूडी वॉशरूम है सर, और साथ ही जितने भी आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पीडब्ल्यूडी जितने भी स्टेट में हैं आप लोगों को पता है आप लोगों का उनसे कांटेक्ट है तो आप लोग उनसे बताइए कि नरबहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज अब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आप सभी लोग जितने भी पीडब्ल्यूडी से उनको स्वागत करने के लिए रेडी है। जो एजुकेशन के लिए पिछली बार क्या हुआ था एक
सज्जन जी जिसका नाम भूपेश गुरागाई था, उन्होंने क्या किया कि वो कॉलेज आकर ज्वाइन हो गए सर, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको चलने में दिक्कत आया सर, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाने के लिए जो दिक्कत हुई, तो उसकी वजह से वो उस कॉलेज को छोड़कर यहाँ डायरेक्ट के कॉलेज में वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर जो हमारे कॉलेज में एक ब्लॉक है जहाँ पर व्हीलचेयर का सुविधा भी है और वहाँ पर जितने भी डिफरेंट एबल्ड हैं वो भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी क्लासेस कराने के लिए मैंने प्रिंसिपल सर से बात किया और इसी तरह से मैं पीडब्ल्यूडी के लिए भी काम कर रहा हूँ सर, और मैं पेंटिंग करता हूँ सर, मैं अपने पैरों से मैं चित्रकला करता हूँ। बस थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सर, और इट वॉज वेरी नाइस hearing the address of the Honorable Prime Minister with your gracious presence as well as our respected Padma Shri awardees and all the dignitaries from different organizations as well as from the government of Sikkim. And first of all sir, mera naam Anish Sharma hai aur main Akhil Sikkim Vidyarthi Kalyan Manch ka president hu sir, aur aaj se pehle bhi aap ke paas hum mil chuke hain sir, and we are really pleased and we are very proud to have you as our honorable governor of this beautiful state. As I have heard about you from your one of the student Gaurav Tiwari, and we are ready, and the address of the prime minister in this Mann Ki Baat has just tossed my heart. And one thing I just want to say is that in the beginning itself, when the prime minister said that we should have to respect and understand the goodness of everyone, and that is the main lesson what I learned today. And so I will try to implement this in my real life also, in my practical life also. And so on behalf of the student of Sikkim, I would like to extend my heartfelt gratitude towards your announcement for that, sir, Governor's B.R. Ambedkar Cup, and for that we shall join our hands from a personal level as well as from the organization level, and we will try to make it a grand success, sir. Once again, welcome to Sikkim, and thank you for your presence, sir. Thank you so much, sir. Mahamahim Mahoday, Sadar Pranam, aur jitne bhi गणमान्य व्यक्तित्व विशेष यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम युवराज शर्मा है, मैं गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट में काम कर रहा हूँ सर। अभी मेरा पोस्टिंग सोरेन डिस्ट्रिक्ट में है जो न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट है सर, तो मैं वहाँ रह करके वहाँ के जो गाँव बस्ती में रहने वाले जितने भी किसान लोग हैं उन लोगों को मछली पालन कैसे करना है, विशेष करके ये ट्राउट मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सर, और किसान लोगों को आर्थिक अवस्था में और उन लोगों के सामाजिक अवस्था में ट्राउट फार्मिंग के वजह से कैसे उन लोगों को स्ट्रांग बनाए उस तहत काम कर रहे हैं सर। और ये जो माननीय पीएम साहब का मन की बात जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलता है कि हम लोग देहात में जा करके गांव बस्ती के लोगों को सिखा करके उन लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर को थोड़ा आगे बढ़ाएं सर, ऐसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रायर परमिशन टू एवरीवन, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ सिक्किम सर, मेरा नाम संजय राय है, मैं हाल ही में मास्टर स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स इन बॉटनी कर रहा हूँ, और हाल ही में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एनिवर्सरी मनाया गया था भारतीय संसद में, तब मैं वहाँ को सिक्किम को प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पे मैंने स्पीच दिया था, वहाँ पे संसद का अध्यक्ष जी ओम बिरला जी उपस्थित थे और भारत के प्रधानमंत्री भी आए थे, श्रद्धांजलि चढ़ा के वो चले गए थे, भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, तो उन लोगों के उपस्थिति में मैंने स्पीच दिया था सिक्किम को प्रतिनिधित्व करते हुए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो स्पीच अच्छा ही गया था। और 2017 और 18 और 19 के बीच में नेशनल लेवल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, नेशनल लेवल पार्लियामेंट एंड नेशनल लेवल एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट में सिक्किम का प्रतिनिधित्व मैंने किया था, और इसी तरह से स्पीच कॉम्पिटिशन जितना भी हुआ था उसमें सिक्किम का प्रतिनिधित्व किया था, और उससे अलग जाकर 2019 में सनाची में
एक वॉइस नाम के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हमने लगभग अभी तक 500 से ज्यादा पेड़ पौधे पेड़ के सैपलिंग जो है वो लगा चुके हैं और क्लीनेस ड्राइव हमने 50 से ज्यादा क्लीनेस ड्राइव कर चुके हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट टू। और आज यहाँ पर आके मन की बात यहाँ राजभवन में सुन के बहुत अच्छा लगा। जो 96 एपिसोड था मैं संसद में सुन रहा था, वह संसद के अंदर 96 एपिसोड हमें सुनाया गया था। तब जब सुन रहा था तो छंगू के जो सांगे सर है उनका जिक्र वहाँ पर मन की बात में हुआ था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं सिक्किम को प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में बैठ रहा था स्पीच देने के लिए और उस समय सिक्किम का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई लाइक टू थैंक सांगे शेरपा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द छंगू लेक एंड आई लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम एंड इनवाइटेड ऑल ऑफ अस। बड़ी छोटी मुंह बड़ी बात आई लाइक टू शेयर कोटेशन एट द लास्ट कि फकत बातें अंधेरों के महज किससे उजाले के, फकत बातें अंधेरों के महज किससे उजाले के, चिराग से आरजू लेकर ना तुम निकले ना हम निकले, but today's gathering has proved that everybody has a चिराग and they have carried it. Thank you very much, sir. ये प्रेरित करते हैं। शुरुआत तो हमने सिक्किम से की थी और आज सर वो एक आंदोलन बन के सर अरुणाचल नागालैंड यहाँ तक कि नेपाल तक में फैल गया है। हम लोग सर किसान भाइयों को ना कि सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं बल्कि सर उनका जो उत्पादन होता है उसको भी खरीदते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और सर उनको मार्केट प्रदान करते हैं और नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम ओरिजिन करके सर विदेशों में बेचने का काम करते हैं, जिससे कि सर आज आम जनता को या वहाँ के लोगों को मालूम होगी यहाँ हमारे यहाँ क्या पदार्थ हो रहे हैं। 2016 में सर हमने मोदी जी से मिलने का सर सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सिक्किम आए थे, उन्होंने सर हमारा काम किसान भाइयों के साथ देखा और सर 2016 की जनवरी की सर मन की बात में हमारे बारे में बोला, जिससे कि सर आज जो मोदी जी सर नॉर्थ ईस्ट के लिए कर रहे हैं आज सर ना कि इंडिया में सर विदेशों में भी जहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ हर आदमी जानता है कि सिक्किम क्या है, ऑर्गेनिक क्या है और यहाँ का ऑर्गेनिक या नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक कैसे अलग है और लोगों के मुकाबले। सर हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे किसानों के लिए जैविक खेती सिर्फ खेती नहीं जीने का तरीका भी है, तो उसको सर लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सर हमारी ये है कि सर आज देश विदेश में सर नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक का नाम सर रोशन कर सके। नमस्कार सर, सर मेरा नाम राज राम है। हमारे संस्था है शीत सेल बोल के, एक सिक्किम का एंटरप्रेन्योर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। हमारा एक कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेल्फ रिलायंस की तरफ उनको प्रेरित करें, उनको प्रोत्साहन दें, ये हमारा एक काम है, हम लोग ये करते आए हैं। और आज बहुत अच्छा लगा कि आज आपने यहाँ पर बुलाया हम लोगों को और आपके साथ बैठकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री का मन की बात सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और एक चीज़ मुझे लगता है कि जीवन में हमारे जीवन में हर एक चीज़ पॉजिटिवली नहीं होती है, पर जब भारत के प्रधानमंत्री स्वयं एक जीवन में एक भारत में जब एक अच्छा ही ढूंढने निकलते हैं और हर एक आदमी में एक जो सच्चाई होती है उसको उजागर करने की जो उनका एक प्रयत्न रहती है उससे बहुत मन में छूटती है। हालांकि राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती है, कभी लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होना होता ही होगा, पर जब हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में एक देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है सर। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मेरा नाम शेखर खवास, मैं पत्रकार हूँ और अभी मैं प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम का अध्यक्ष हूँ। आज इस हॉल में मेरे साथ और कुछ पत्रकार दोस्त भी आए हुए हैं और इस विशेष अवसर के लिए मैं जो सवा मन की बात की सवा प्रकरण है इसको जो हमें सुनने का या देखने का जो अवसर मिला इसके लिए राजभवन और साथ साथ में दूरदर्शन केंद्र गांधो ऑल इंडिया रेडियो गांधो और पीआईबी गांधो को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम और सभी पत्रकार की ओर से। थैंक यू। नमस्कार महामहिम राज्यपाल साहब, मेरा नाम संतोष तस्मीन है, मैं सहप्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपको और यहाँ सभी उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमें यहाँ के प्रधानमंत्री का मन की बात की सवा एपिसोड सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और आज के एपिसोड से यही प्रेरणा मिलती है कि हम सब लोगों को जिसको भी जो जिम्मेवारी मिला है उसको लगनशीलता के साथ करते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। थैंक यू महामहिम, आपको सादर प्रणाम। आज इस मन की बात के 100वें एपिसोड में
उपस्थित सभी सज्जन वृंदों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार इस मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ राजभवन में उपस्थित हुआ हूँ और हमें भी अपने मन की बात आपसे और यहाँ उपस्थित सभी लोगों से करने का मौका मिला है। मैं सभी आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश हूँ। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज का सिक्किम ब्रांच है, रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर, ये रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट सिक्किम में 1979 से एक किराए की बिल्डिंग में अभी सर्विस सेवाएं दे रहा है और आयुर्वेद पर रिसर्च का काम कर रहा है। सर, मैं 4 साल से यहाँ पोस्टेड है, मेरी पोस्टिंग है। ये तादुंगन टोक में हम लोग का मेन हॉस्पिटल है और पूरे सिक्किम में पहले 6 हम लोगों के सब सेंटर हुआ करते थे, अभी उसको घटा करके 3 कर दिया गया है। अभी जोरथान, गेजिंग और मंगन में हमारे सब सेंटर हैं, वहाँ डॉक्टर्स, फार्मेसिस्ट और MTA के माध्यम से हम लोग सर्विस सेवाएं दे रहे हैं। उसके अलावा सर, हमारे यहाँ एक ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है और एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान चलता है। ये दो मोबाइल क्लिनिक है मेरे पास, इससे गांव-गांव में जाकर के हम लोग लोगों का स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं और स्वास्थ्य एजुकेशन के लिए IC मटेरियल और कैंप कैंपेन छोटे छोटे सेमिनार के माध्यम से लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सर, दुख की बात थोड़ी ये है कि सिक्किम में आयुष के मामले में बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। गंगटोक में ही कम से कम 1000 का STNM में बेड का हॉस्पिटल है, 500 बेड का मणिपाल में हॉस्पिटल है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पर केवल आयुष के नाम पर केवल 10 बेड का केवल हॉस्पिटल है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सोवारिग्पा, ये सब मिलाकर के केवल 10 बेड का हॉस्पिटल है। सर, ये हिमालयन रेंज है, यहाँ मेडिसिनल प्लांट का हर्ब है, यहाँ मोर देन 50 फार्मा कंपनियां हैं, लेकिन आयुर्वेद का एक भी ऐसी फार्मा कंपनी नहीं है, फार्मेसी नहीं है, जहाँ आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब दवाइयों, सोवारिग्पा, ये सब दवाइयों का प्रोडक्शन हो सके। तो सर, मेरा अनुरोध है कि ये हिमालयन क्षेत्र है। अभी मैं मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी का सुन भी रहा था कि हिमालयन क्षेत्र के रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना, तो ये मेडिसिनल प्लांट का जो यहाँ हब है उसका कंजर्वेशन और प्रोडक्शन का काम भी हम लोग चाहते हैं कि ठीक ढंग से हो। और अगर फार्मेसी यहाँ बन जाती है तो फार्मर्स के लिए यहाँ बहुत बड़ा एक उनके लिए इकोनॉमिक स्रोत हो जाएगा। ये मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन बढ़ जाएंगे और चूंकि ऑर्गेनिक स्टेट है तो यहाँ जो एक प्रोडक्शन होगा आयुर्वेदिक ड्रगों का या सोवारिग्पा के ड्रग का, ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो सकता है। तो इसमें सर फार्मर्स की भी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्टेट की भी इकोनॉमी बढ़ेगी और सभी लोग खुशहाल रहेंगे। दूसरा चीज सर, यहाँ अगर महा हमारे जो प्रधानमंत्री सर ने अभी बताया कि टूरिज्म को हमें बढ़ाने की जरूरत है, हर व्यक्ति टूरिज्म के प्लेस पर, टूरिस्ट के स्पॉट पर जाए, तो सर यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ आयुर्वेद का जो पंचकर्म चिकित्सा है जिसमें मसाज और सिस्टम बेसिकली करते हैं और नेचुरोपैथी, अगर सारे टूरिस्ट जो स्पॉट हैं वहाँ स्टेट के तरफ से इसको डेवलप किया जाए तो हमें लगता है कि इंटरनेशनली टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी, उससे भी स्टेट की इकोनॉमी और स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग जागरूक भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे।
तो इन सब चीजों को सर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है और मैं बहुत आभार हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि हमें यहाँ अपनी बात, मन की बात हमें भी करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय राज्यपाल महोदय, संघ यहाँ जितने उपस्थित महानुभाव हैं उनको मेरा नमस्ते। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ मुझे इतने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आने का मौका दिया गया और मैं मन की बात छोटी सी बस कुछ पंक्ति में लिखकर आई हूँ, जल्दी से पढ़ देती हूँ। 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी एक नई शुरुआत, जी हाँ वो है हम सबका प्यारा कार्यक्रम मन की बात। लो देखते देखते हो गई इसकी सौवीं कड़ी, एकजुट होकर सुनते एक बन गई समानता की मजबूत लड़ी। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात में बहुत सी बातें हैं, खास राजनीति से परे है इसलिए ये है सभी के दिल के पास। सभी तक पहुंचे प्रधानमंत्री जी के संग संग आम जनता की बातें, इसलिए तो रेडियो पर प्रसारित होती मन की बात। मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार नई नई बातों से अवगत कराते, तभी तो एक आम जनता जो शायद किसी कस्बे में रहते नई नई स्टार्टअप लाते। स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में आजादी का अमृत महोत्सव जन जन में है फैला, ताकि आज के बच्चे समझ पाए उन वीर सपूतों के बलिदान का एक एक किस्सा। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात 22 भाषा और अनेकों बोलियों में होती प्रसारित, तभी तो कस्बे, राज्य, देश और विदेश की बातें जनमानस भी जान पाती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरा नाम सीमा झा है और मैं माउंट साइन स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ और मुझे यहाँ मेरे कुछ बच्चों के साथ आमंत्रित किया गया है और इसी के साथ मैं आकाशवाणी कैंटों की हिंदी उद्घोषिका हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज माही जुल्का फ्रॉम माउंट साइन स्कूल। Good morning to sir and all the ones present here. I am Jagrut Damian. I am a student from Mount Zion School and I am from grade 8. Thank you. Good morning, Honorable Governor sir. My name is Yajeev and I am a student of class 9. And I am a student of Mount Zion Secondary School. Thank you. Adarniya Pradhan Rajyapal Pal Mahodaya. My name is Anand Lambadia. I'm studying grade 10 of Mount Zion School, and it's such an honor to stand in front of you all and to introduce myself. Thank you for your time. Good morning, everyone. My name is Piyush Bhaskar, and I am from Mount Zion School, grade 8. Thank you. जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे बीच एक ऐसे दुर्लभ कलाकार उपस्थित हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार करके एक मिसाल प्रस्तुत की है। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विक्रम भट्टराय जी को, जिन्होंने अपने पैरों से पेंटिंग बनाई है और माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट करने जा रहे हैं। श्री विक्रम भट्टराय जी। धन्यवाद महोदय, विक्रम भट्टराय जी आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करने का सादर अनुरोध करती हूँ। माननीय राज्यपाल, आज के इस विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100वें मन की बात के प्रसारण के क्रममय समारोह में उपस्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव सुश्री नम्रता थापा जी, राजभवन के सचिव श्री जिग्मी दोरजी भूटिया जी,
आकाशवाणी गंगटोक के निदेशक श्री अवधेश्वर सहाय जी, दूरदर्शन के उपनिदेशक श्री नीरज कुमार पांडे जी, पीआईबी के गंगटोक की उपनिदेशिका सुश्री मोनिका जी, सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों से द्रोणाचार्य पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत विशिष्ट अतिथिगण, प्रोफेसर हरदीप सिंह अध्यक्ष हिंदी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय, कला उद्योग खेल समझे सम्मानित अतिथिगण, राजभवन परिवार के सदस्यगण, मीडिया के बंधुओं, आकाशवाणी दूरदर्शन पीआईबी के सशक्त टीम, प्यारे बच्चों, सिक्किम विश्वविद्यालय के शोधार्थी स्नातक के विद्यार्थी, दीदी बहनी ताजू भाई और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के समय श्रृंखला का जश्न मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मन की बात, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं और देशभर के लोगों के साथ अपने विचार शेयर करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे संवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर विचारों को साझा करना और उनके समस्याओं का समाधान निकालना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को सरकार की नई योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है। इस दौरान लोगों की कई प्रेरणादायक कहानियों से भी हम अवगत कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रभावी तरीके से लोगों के मध्य पहुंचने के लिए 2014 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात से लोगों को संबोधित करना शुरू किया। 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के शुभ अवसर पर शुरू किया गया कार्यक्रम के 9 साल हो गए और कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए हम 100 एपिसोड के प्रत्यक्षदर्शी बने हैं, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। मन की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सबकी बात। पहले एपिसोड से लेकर आज तक हमें अपार प्रेरणा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हर तबके के लोगों से जुड़े हुए, हर क्षेत्र को छुआ, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, चिकित्सा आदि, ऐसे शायद कोई अनछुए प्रसंग या विषय हो जिसका जिक्र माननीय जी ने ना किया। राष्ट्र के मुखिया के तौर पर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं से अवगत हुए, लोगों को प्रोत्साहित किया और देश के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति से जुड़े, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, वोकल फॉर लोकल आदि के लिए आवाज उठाई और समाज में जागरूकता पैदा की। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम सहित उत्तर पूर्व की जीवंत संस्कृति और भाषिक विविधता को जश्न के रूप में मनाने की प्राथमिकता दी है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम के 12,000 फीट ऊंचाई में पर्यावरण संरक्षण से सांगपे शेरपा की अधिक काम की प्रशंसा की है। अन्य एक एपिसोड में 2 उद्यमियों अनुराग अग्रवाल व सिद्धि करदानी की स्टोरी को साझा किया, जो उत्तर पूर्वी भारत में कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप कर रहे हैं। इस कड़ी में माननीय पीएम ने सिक्किम के डॉक्टर मदन मणि ढकाल से हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में टेली कंसल्टेशन उपलब्धि की भी सराहना की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ मिलकर संवाद करते हैं। मन की बात के कार्यक्रम में एक ऐसे मंच जिससे हम लोगों को समस्याओं, उनके विचारों को समझने की, उनको समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के बीच जब सीधा संवाद करते हैं तो उनके द्वारा किए गए प्रश्नों एवं सुझावों का जवाब भी देते हैं। 150 करोड़ आबादी वाले देश में प्रत्येक नागरिक से इस प्रकार के मिला उनको सुनने का यह अद्भुत कार्य है। इस कार्यक्रम में हमें प्रेरणा मिलती है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना न सिर्फ सरकार का दायित्व है, बल्कि हम सबको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम में देश और समाज के विकास के लिए एक समान जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यह कार्यक्रम हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, जो हमें अपने देश के प्रति अपनी भूमिका को निभाने की प्रेरणा देता है। आज मेरे लिए यह गौरवान्वित पल है कि हमारे मध्य राज्य की कई सम्मानित
व्यक्तियों की भी गरिमा में उपस्थिति है, जिन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्य से के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रत्यक्ष या आभासी तौर पर संवाद किया है। हमारे मध्य द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पद्मश्री विजेता राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत शिक्षक है। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति यह दर्शाती है कि सिक्किम राज्य के कई हर क्षेत्रों में आगे है और राष्ट्रीय और विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाते हैं। अनेक उपलब्धियाँ और मन की बात से हम सबको प्रेरणा मिली है। अभी हमारी एक बहन संभवतः नीता निराशी है, पत्रकार है, शायद यही नाम है ना, और उन्होंने अपनी बात में भी कुछ चीज़ें कहा। हमारा जीवन, हमारे जीवन की उपलब्धता या जीवन की सार्थकता यही है। मनुष्य, भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में भेजा और हम मनुष्य का जन्म पा करके हमारी सार्थकता यही है कि हमारे बात से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे भाषा से, हमारे सोच से, हमारी कार्यशैली से एक ऐसा संदेश जाए। खैर, नीता निराश भी एक आस लेकर के समाज को संदेश देने के लिए खड़ी हो जाए, यही जीवन की उपलब्धि। राजनीति के प्रति 2014 में जो प्रधानमंत्री जी ने अपना विषय रखा, एक राजनीतिक पद पर जाकर के जो दायित्व संभाला, जिस प्रकार का एक संदेश दिया, एक मैं कह सकता हूँ कि राजनीति को एक नई परिभाषा दिया। राजनीति केवल राजनीति सत्ता प्राप्त करके अपने वैभव का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का नहीं, अपितु राजनीति के माध्यम से हम समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। हम अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, दुनिया के आइकॉन बन सकते हैं, हम लोगों की प्रेरणा बन सकते हैं, हम लोगों की साहस बन सकते हैं। यानी इस प्रकार का काम, हमारा जीवन तब सार्थक होता है जब हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से। मैं जिस जनपद से आता हूँ, मैं अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं किसी दूसरे दायित्व पर काम कर रहा था। सुबह उठा, मेरे एक पड़ोसन है डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, तो मैंने उनको पूछा कि देखा कि घर के बाहर वो स्वयं से झाड़ू लगा रहे थे। डिप्टी सीएमओ थी हमारे चंदौली जनपद पड़ता है। तुमने कहा डॉक्टर साहब आज खुद ही लगा रही है। मैं सुबह उठा, ट्रेन निकले जा रहा था, देखा डॉक्टर साहब खुद झाड़ू लगा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आचार्य जी, पहले तो झाड़ू तो मैं तब भी लगाती थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अंधेरे में लगा लेती थी, कोई देख न, लेकिन मैं झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन अब मैं बहुत गौरव के साथ अपने दरवाजे पर झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ। यानी देश के प्रधानमंत्री ने जब अपने हाथों में झाड़ू उठा लिया, तो आज वही लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। जब हम गरीब को के पांव पखारते हैं तो हमारी प्रेरणा बन जाती है, वो सेवा कार्य सम्मानित हो जाता है। आज अनेक प्रकार के ऐसा है, यह हम सब के लिए, यानी हमारा व्यवहार, हमारा भाषा, हमारी समझ लोगों को जोड़ने वाली होनी चाहिए। हमारे व्यवहार से, हमारे भाषा से, हमारी कार्यशैली से, हमारे किसी क्रियाकलाप से समाज टूटे ना, समाज जुटे। आज मैं कह सकता हूँ समय मन की बात पर कि आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के लिए प्रेरणा दी, राजनीति को एक नई परिभाषा दिया, अनेक क्षेत्रों में जो प्रकार का किया, आज वो सब, आज लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक शिक्षक के रूप में कभी खड़े हो जाते हैं, कभी एक अभिभावक के रूप में खड़े हो जाते हैं, कभी एक स्टेट्समैन के रूप में खड़े हो जाते हैं। उनके अनेक प्रकार की बातों कर दुनिया आज इसकी सराहना करता है। मैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज आप इस मेरे आमंत्रण पर आप हमारे बीच में आए। मैं हमारे दूरदर्शन के प्रसारण और उससे समस्त सभी मीडिया के हमारे बंधु इस कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बने, और इस अवसर में मैं आज की इस अवसर पर इंडिया रेडियो पीआईबी के प्रसारण एवं कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। और मैं आपको राजभवन में बुला करके आपको धन्य किया नहीं, आप भी हमारे यहाँ पधारे, मैं भी धन्य हुआ, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे भी बहुत हर्ष हुआ कि आप हमारे इस आमंत्रण पर हमारे मध्य आए। इस काम के लिए एक बार फिर से आर इंडिया रेडियो पीआईबी के प्रसारण कार्यक्रम में, इसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सीधे आपको के साथ कनेक्ट करने का काम किया,
और जैसा मैंने आगे भी कहा, अनेक जीवन में बहुत बदलाव आया है, अनेकों के जीवन में बहुत बदलाव आया है और उसको कुछ शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। आइए हम भी याद से संकल्प लें कि निश्चित रूप से हमारे किसी कार्यशैली से, हमारे किसी व्यवहार से लोग और जुड़ें, लोग एक प्रेरणा ले सकें। मन की बात की यही सार्थकता है। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संदेश से हमारे जीवन में एक और कुछ बदलाव आएगा, एक नया संकल्प आएगा। अभी कई हस्तियों से मिलने को मिला, वो बेटे का नाम मैं भूल रहा हूँ जिसने आर्ट आर्ट का मुझे वो दिया, विक्रम भट्टाराय, क्या कोई रोक पाया था जी? हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जिस प्रकार का सुंदर सा आर्ट बनाकर दिखा दिया, मैं हृदय की गहराई से उन्हें बहुत अपनी शुभकामना करता हूँ और पूरी मानवता के लिए। संकल्प में सिद्धि होती है और आपने वो करके दिखाया। अनेक ऐसे भी और तमाम आपके बीच में ऐसे मनीषी हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका पूरा जीवन बाकी समाज के लिए प्रेरणादायी है। आइए हम सब भी उस रास्ते पर चल के समाज के लिए कुछ करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। एक बार फिर से आप सबके आगमन के लिए पूरे इस परिसर में जो विभिन्न प्रकार से अपने अपने दायित्व से आज के मन की बात को यहाँ पर सफल आयोजन किया है, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय सिक्किम। आपका बहुत बहुत आभार महोदय, आपके प्रेरणादायी शब्द हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है एवं आपका मार्गदर्शन हम सभी पर यूं ही बना रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं सभी उपस्थित गणमान्य जन से राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होने का सादर अनुरोध करते हैं। जय गण मन अधिनायक जय हिंद, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समापन की घोषणा करती हूँ।